गाइस, स्पाइडरमैन नो वे होम में दो पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है, जिसमें से एक सीन वेनम से रिलेटेड होगा और दूसरा अपकमिंग प्रोजेक्ट से। और वेनम वाले पोस्ट क्रेडिट सीन की डिटेल फिलहाल लीक हो चुकी है, जो 110% रियल है। और आज के मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करूँगा, और साथ ही चार्ली कॉक्स के कैमियो की डिटेल भी दी गई है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइज, वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूँगा, क्योंकि जिस सोर्स से ये न्यूज़ आया है उन्होंने इस बात की कन्फर्मेशन 110% रियल के तौर पे किए हैं। तो ऐसे में अगर ये सच हो जाता है तो हो सकता है कि आपको ये मूवी देखने का मजा ख़राब हो जाए। तो इसलिए जिन लोगों को स्पॉइलर से फ़र्क पड़ता है तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दो। खैर, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको स्पॉइलर से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं टॉपिक पे। तो जब पीटर और आंट में घर पे होंगे तो उनके घर के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल लोग यही समझ रहे हैं कि पीटर ने ही मिस्टीरियो को मारा है, और इतनी जो तबाही फार फ्रॉम होम मूवी में हुआ है वो सब पीटर की वजह से ही हुआ है। तो लोग पीटर के घर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसी वक्त हैप्पी चार्ली कॉक्स का कैरेक्टर मैट मर्डॉक को लेकर आएगा, जो एक लॉयर होगा, और वो सब एक टेबल पर बैठेंगे और केस पर डिस्कस कर ही रहे होंगे कि विंडो से एक आदमी पत्थर पीटर के घर में फेंकेगा, और उसी वक्त मैट मर्डॉक उसे पकड़ लेंगे। तो ये देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। तो फिर पीटर पूछेगा कि आपने ऐसे कैसे किया। तो मैट मर्डॉक बोलेंगे कि मैं एक अच्छा लॉयर हूँ। वेल, पीटर को इस वक्त पता नहीं होगा कि मैट मर्डॉक ही डेयर डेविल है और उनके पास कुछ सुपर हीरो वाली पावर है। और कहा यह भी जा रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में डेयर डेविल के लुक को नहीं दिखाया जाएगा, बस वो एज अ लॉयर ही कैमियो करेंगे इस मूवी में। और रूमर ऐसे भी हैं कि डेयर डेविल सीरीज को फिर से बनाया जाएगा मार्वल के अंदर और उसे डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। वैसे अभी ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं की गई है, पर होप कि आने वाले समय में हो जाए। खैर, तो डेयर डेविल वाले टॉपिक की बात हो गई, तो अब बात करते हैं लीक पोस्ट क्रेडिट सीन पे। तो एज यू नो कि स्पाइडरमैन नो वे होम में दो पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है, जिसमें पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पाइडरमैन के फ्यूचर के बारे में दिखाया जाएगा और दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन सीधा कनेक्ट होगा मार्वल के यूनिवर्स से। और पहला पोस्ट क्रेडिट सीन लीक हो चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल ख़त्म करेंगे, मतलब वही जादू टोना करेंगे जिससे कि सब लोग ये भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और जितने भी विलन्स दूसरे यूनिवर्स से आए हैं वो सब अपने वाले यूनिवर्स में चले जाएंगे। और आपको याद होगा कि वेनम भी अब स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आ चुका है। तो जब एडी ब्रोक एक बार में पी रहा होगा तो उसी वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल ख़त्म करेंगे, जिससे होगा कि एडी ब्रोक अपने वाले यूनिवर्स में चला जाएगा पर वेनम का सिम्बियोट्स नहीं, और वेनम इसी यूनिवर्स में रह जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट स्पाइडरमैन के ट्रायलॉजी में वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन का फाइट देखने को मिले, जो अभी फैन के डिमांड में है। और लास्ट में वेनम और स्पाइडरमैन दोनों मिलकर सिनिस्टर सिक्स को हराए, तो ये पॉसिबल है। और रूमर ऐसे भी हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में सिक्स विलन के तौर पर वेनम ही है, क्योंकि वेनम लेट्स देयर बी कार्नेज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि सेम वही टाइम पे वेनम भी इसी यूनिवर्स में आ चुका है, और फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में जितना भी इवेंट होगा वो सब वेनम के प्रेजेंस में ही होगा। तो अगर ये सब चीज़ वेनम देखता है तो हो सकता है कि वो कुछ करे, पर फिलहाल ऐसा कोई रूमर या फिर न्यूज़ बाहर निकल के नहीं आया है, और अभी फैन बस यही सोच रहे हैं कि टोबे मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड इसमें है या फिर नहीं। खैर, इन सब चीज़ों का पता 17 दिसंबर को ही चलेगा, क्योंकि ये मूवी अपने इंडिया में इसी डेट को रिलीज़ हो रही है। तो अब वेट करते हैं और इस वीडियो के एंड भी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ भी पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सबका रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।